हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी हमारा लक्ष्य रेलवे के नाम से, उसका ये सेकंड लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आई होप ये फर्स्ट लेक्चर की तरह ये भी लेक्चर भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जो इस सीरीज की आगामी वीडियोज होगी वो आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके आप जो घंटी बटन है उसे दबा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, आपको मैं बता दूँ कि जो दोस्त अभी अकेडमी पे हमें फॉलो नहीं कर पाए हैं तो आप कर सकते हैं हमें अनअकैडमी पे फॉलो, जिसके लिए आपको सिंपली जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसे इंस्टॉल करना है। आफ्टर देन जो गोल्डन एयर एजुकेशन के नाम से अपना चैनल है उसको आप फॉलो कर लेना है वहां पे क्लिक करके, या फिर आप सिंपली कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। जिससे कि जो यूट्यूब के अलावा हमारे अदर्स लेसंस है आप वहां पे इजीली उनको रीड कर सकोगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 13 अक्टूबर 2017 को पांचवें भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2017 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये हुआ था पुणे के अंदर आयोजित हुआ था। जो 2017 का मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन पुणे, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है हमारे इंडिया में, उसी के अंदर ये 2017 का मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए, ये जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2012 से। 2012 से प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, एक बार इंडिया में, एक बार जो श्रीलंका है वहाँ पे, तो हर साल इसे आयोजित किया जाता है। जो इस बार आयोजित किया गया था, ये किया गया था 13 से और 25 अक्टूबर 2017 के बीच में ये आयोजित किया गया था। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को रैंक मिला था फ्रेंड्स 100वां पोजीशन, जो है इसमें मिला था 100th पोजीशन इसमें इंडिया को मिली थी इस सूचकांक के अंदर। देखिए, ये जो सूचकांक जारी किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वो किया जाता है IFPRI, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो 2017 का जारी किया गया था उसमें हमारे इंडिया को 100वां रैंक इसमें मिला था। और इसकी बात करते हैं थीम की, तो इसका जो थीम रहा था 2017 का, वो रहा था भूख से असमानताएं, इसका विषय रहा था दोस्तों। बात करते हैं तो देखिए, इस सूचकांक में जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी वो की गई थी, टोटल 119 देश इसमें शामिल थे, जिसमें हमारे इंडिया को रैंक मिला था वो मिला था 100वां रैंक इसमें मिला है। टॉप 3 कंट्रीज की जो बात करते हैं, जिसमें देखिए पहले नंबर पर इसमें रहा था वो रहा था बेलारूस, और जो दूसरे नंबर पर रहा था वो रहा था बोस्निया, और तीसरे नंबर पर रहा था हर्जेगोविना। ये 3 जो है टॉप 3 कंट्रीज इसमें रहे थे इस रैंक में। फिर नेक्स्ट अपन आप क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौतम एच बम्बावाले को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन के अंदर। देखिए, चीन के अंदर जो भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं गौतम एच बम्बावाले, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 के लिए किस भारतीय पत्रकार को एन्ना पॉलिकोस्काया पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये चुना गया है गौरी लंकेश को। देखिए, आपको यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि ये पुरस्कार पाने के वाली जो हमारी प्रथम भारतीय महिला पत्रकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो गौरी लंकेश है ये एन्ना पॉलिकोस्काया जो पुरस्कार है उसको पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पत्रकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2017 को संपन्न मलेशियन ग्रैंड पिक्स का खिताब किस चालक ने जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो है ये खिताब जीता था मलेशियन ग्रैंड पिक्स 2017 का, जो खिताब था ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए, जो 15वीं मलेशियन ग्रैंड पिक्स थी जो कि मलेशिया में आयोजित हुई थी, और इसी के अंदर ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन है इन्होंने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, देश का पहला गो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, द मेकिंग ऑफ लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है बिंदेश्वरी पाठक, जो बिंदेश्वरी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक है, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। और ये जो है दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो है जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्हीं की जीवनी पर, जो नरेंद्र मोदी है उन्हीं की जीवनी पर ये आधारित है ये पुस्तक, मतलब इन्हीं की जीवनी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड पुस्तक के अंदर। और ये देखिए, जो बिंदेश्वरी पाठक है, सुलभ जो NGO है, सुलभ इंटरनेशनल, उसके संस्थापक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए,
नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित परियोजना है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से संबंधित ये परियोजना है जिसका नाम है नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना। देखिए इस परियोजना की अगर बात करते हैं तो नर्मदा घाटी है वहीं पे ये प्रस्तावित परियोजना है जिसकी लागत है लगभग 14,600 करोड़ रुपये। इसकी टोटल लागत है इस परियोजना की, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था जो शिवराज सिंह चौहान है वहाँ के मुख्यमंत्री MP के उन्हीं के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, इन परियोजनाओं की लागत राशि कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा वो जगह 700 करोड़ रुपए से अधिक जो है इसकी टोटल लागत राशि है इन 8 परियोजनाओं की जो मंजूरी दी गई है, जो नमामि सॉरी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसी के द्वारा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसके तहत इन 8 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। बात करते हैं देखिए इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है जो गंगा नदी में पर्यावरण विनियमन है और जो जल गुणवत्ता है उसकी निगरानी रखने के लिए ही ये यहाँ पे शुरुआत की जा रही है जिसका बजट है टोटल 700 करोड़ के समथिंग। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस इंडिया 2017 वर्ल्ड वाइड 2017 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 का जो खिताब जीता है वो जीता है जो यहाँ पे मधुवल्ली है इन्हीं के द्वारा ही जीता गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 का खिताब। अगर बात करें तो ये 26वीं प्रतियोगिता थी, छौंद्रीय प्रतियोगिता, जिसमें 18 देशों की प्रतिभागियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि 18 देशों की जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करे थे 18 देशों ने, और उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे मधुवल्ली है इन्होंने ये खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व शिक्षक मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और 2017 में रिसेंटली जो मनाया गया है ये 5 अक्टूबर को ही मनाया गया था। इस बार का जो थीम था इसका फ्रेंड वो था अध्यापन में स्वतंत्रता, शिक्षकों का सशक्तिकरण, इस बार का इसका विषय था 2017 में जो 5 अक्टूबर को मनाया गया था ये इसका थीम था, ये आपको ध्यान रखना है, अध्यापन में स्वतंत्रता, शिक्षकों का सशक्तिकरण इसका विषय रहा था। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो देखिए जो शिक्षक दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1949 से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो योजना शुरुआत की गई है की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिसका नाम है सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी योजना। ठीक है, अगर बात करते देखिए इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 अक्टूबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के शिवराज सिंह चौहान उन्हीं के द्वारा सिंगल योजना की, इस सिंगल जो क्लिक पेंशन योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए इसका मतलब ये है कि सिंगल क्लिक पेंशन डिलीवरी योजना का मतलब होता है कि जो पेंशन होगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी बिना किसी प्रोसेस के, सिंपली तरीके से जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है MP गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में महिला हिंसा की रोकथाम हेतु राज्य सरकार की एक नई अभिनव पहल के रूप में 44/7 सदा के लिए योजना शुरुआत की गई है? तो देखिए काफी इंपोर्टेंट योजना है जिसका नाम है 44/7 सदा, तो इसी योजना की जो शुरुआत की गई है फ्रेंड्स वो की गई है, आपका राइट आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही इसकी शुरुआत की गई है 44/7 सदा के लिए योजना, और इसका जो मेन टारगेट है वो है जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनसे संबंधित जो हिंसा है उसको रोकने के लिए इसी योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए इसी योजना के तहत जो गाँव में महिला है उनकी सुरक्षा के लिए क्या किए जाएंगे, जो वॉलेंटियर्स है उनको नियुक्त किया जाएगा हर गाँव के अंदर, और वो उनकी देख रेख करेंगे, जो कोई भी ऐसी यहाँ पर होती है प्रॉब्लम तो उनको संभालने का काम करेंगे जो वॉलेंटियर्स नियुक्त होंगे वो। ठीक है, ये राजस्थान की परियोजना है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ प्रतियोगिता टूर चैंपियनशिप 2017 के विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा एक्सांडर जो है ये, इन्होंने ये जीती है जो प्रतियोगिता है गोल्फ की प्रतियोगिता है टूर चैंपियनशिप 2017 ये जीती है, जो एक्सांडर है इन्होंने द्वारा ही ये प्रतियोगिता जीती गई है 2017 वाली। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने हरियाणा को कितने करोड़ रुपये का ऋण दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा 119 करोड़ रुपए का ऋण जो है मंजूर किया था, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है इसने ही ये हरियाणा राज्य के लिए किया था, मतलब कि मंजूर किया था टोटल ऋण, जो उसका बजट है 119 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रथम बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बिम्स्टेक DMEX 2017 का शुभारंभ किया है?
तो देखिए जो बिम्स्टेक DMEX 2017 का जो शुरुआत किया गया है, ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इनके द्वारा ही इस बिम्स्टेक DMEX 2017 का शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसका शुभारंभ किया गया था 10 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में। प्रथम बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का जो है शुरुआत किया गया था। ये पहला बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास था जिसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। इसकी शुरुआत की गई थी 10 अक्टूबर 2017 को। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, सॉरी अहमदाबाद के अंदर किया गया है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2017 का आयोजन किया गया है अहमदाबाद के अंदर, और इसका जो आयोजन किया गया था 7 से और 9 अक्टूबर 2017 के बीच में इसका आयोजन किया गया था, जो कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2017 के नाम से जाना गया है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु मथुर पूर्ण योजना शुरू की गई है? तो देखिए यहाँ पे मथुर पूर्ण योजना की जो शुरुआत की गई है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। तो मथुर पूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, ये की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। इसका टारगेट आपको पता चल गया होगा, जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएँ हैं, उनके पोषण संबंधी जितनी भी आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा करने के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी। इसका नाम है मथुरू पूर्ण योजना, कर्नाटक की योजना है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, 1 से 15 अक्टूबर 2017 के मध्य तीसरा वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया था फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर। इसका आयोजन किया गया था 1 से और 15 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था, जिसका नाम है तीसरा वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी महिलाओं के लिए अच्छा, भारत के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, ये इसका थीम था, इसका विषय था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा रिचर्ड एच थ्रेलर, जो है इन्हीं को ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2017 का ये दिए जाने की घोषणा की है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये नोबेल पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी है उसी के द्वारा ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये यहाँ पे अभी रिसेंटली जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार कौन किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा द रॉयल स्वीडिश अकेडमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 14वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका राइट आंसर है, ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। जो 14वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ है 2017 में, उसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। और इस अगर बात करते हैं इससे पहले जो 13वां भारत की बात यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये हुआ था ब्रुसेल्स में, जो कि 30 मार्च 2016 को संपन्न हुआ था ब्रुसेल्स के अंदर। तो ये हमने देखिए यहाँ पे 13वें सम्मेलन की बात की है जो कि ब्रुसेल्स में हुआ था 30 मार्च 2016 को, और 14वें की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली 2017 में हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर, आज की इस वीडियो की करंट अफेयर। तो आई होप आपको ये भी आपको जरूर पसंद आया होगा आज का ये सेशन। तो अगर कुछ भी डाउट आपको इसके वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे जो है एक साथ ही एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जो भी आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ऐसी आगामी वीडियोज पाने के लिए आप जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर, जो नीचे बेल आइकन का बटन है साइड में इसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी ऐसे ही। तो अभी के सेशन में इतना ही, जल्दी लौटेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसे लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।